तो बात करते हैं केरला एंड लद्दाख के सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस की। केरला और लद्दाख बोथ आर क्वाइट डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ देयर ज्योग्राफिकल फीचर्स। ज्योग्राफिकल फीचर्स बहुत ही डिफरेंट है, एक के पास माउंटेन्स है तो एक के पास सी है ना डिफरेंस। लेकिन द हिस्ट्री ऑफ बोथ रीजन हैज अ सिमिलर कल्चरल इन्फ्लुएंस। सिमिलर कल्चरल इन्फ्लुएंस हमने बात करी थी कि जब एक कल्चर दोनों ही जगह पे हमें देखने को मिले, तो यहाँ पे जो कल्चरल इन्फ्लुएंस है वो सिमिलर देखने को मिल रहा है, यानी कल्चर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें हमें सेम देखने को मिले तो हमें हैरत में नहीं पड़ना है। बोथ रीजन्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय चाइनीज एंड अरब ट्रेडर्स। दोनों ही जगहों पे हमने देखा कि चाइनीज लोग थे, अरब ट्रेडर्स भी थे, यानी बुद्धिस्ट एंड मुस्लिम पॉपुलेशन देखने को मिलेगी आपको दोनों ही जगह पे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इट वाज द ज्योग्राफी ऑफ केरला व्हिच अलाउड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ स्पाइसेस एंड द स्पेशल ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ लद्दाख एंड इट्स रूल दैट ड्रू ट्रेडर टू दीज रीजंस। अब क्या हुआ, दोनों की ज्योग्राफी डिफरेंट है। ज्योग्राफी डिफरेंट होगी तो यहाँ पे जो चीजें मिलेंगी, जो प्रोडक्ट्स मिलेंगे वो डिफरेंट होंगे। अगर हम केरला की बात करें, केरला के ट्रेड की बात करें, तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पे ट्रेडिंग ज्यादा स्पाइसेस की हो रही है। ऑब्वियसली पेपर मिल रहा है, कार्डमम मिल रहा है, और आपका जो क्लॉव है वो मिल रहा है, लौंग, इलायची, ये सारी चीजें मिल रही है। तो यहाँ पे जो ट्रेडर्स आएंगे, जो केरला में ट्रेडर्स आएंगे, वो क्या चाहेंगे, ऐसी ही चीजें चाहेंगे। वही हमारे जो लद्दाख है वहां पे गोट्स मिल रही है, वहां पे अच्छा क्वालिटी का वूल मिल रहा है। तो दोनों ही जगह पे अगर बात करें तो जो रीजन्स ठंडी होंगी, जैसे कि चाइना है, चाइनीज कहाँ जाना पसंद करेगी, लद्दाख भी जाना पसंद करेगी और केरला भी। क्यों, केरला में उन्हें स्पाइसेस मिल रहे हैं, और स्पाइसेस क्या होते हैं, गर्मी देते हैं हमारी बॉडी को। आप जब स्पाइसी खाना खाते हो तो यू फील हीट, है ना, थोड़ा सा हीट फील होता है ना। वैसे ही लद्दाख के अंदर गर्म कपड़े मिलते हैं, तो ये लोग लद्दाख भी जाना पसंद करेंगे ताकि उन्हें अच्छी क्वालिटी का वूल मिल जाए जो उन्हें गर्म रखे और ठंडे वेदर से इनकी प्रोटेक्शन करे। सो बोथ प्लेसेस हैव ज्योग्राफिकल डिफरेंसेस, बट क्योंकि वहां पे ट्रेडर्स जो थे वो सेम बैकग्राउंड से आ रहे थे, दोनों का जो कल्चरल इन्फ्लुएंस है वो कहीं ना कहीं हमें सिमिलर दिख जा रहा है। सो हम क्या कह सकते हैं कि जो प्लेस है, कोई भी प्लेस है, वहां की हिस्ट्री और ज्योग्राफी उसको इन्फ्लुएंस करती है, उस रीजन के कल्चर को बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है। सो द हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी आर ऑफन टाइड इन द कल्चरल लाइफ ऑफ अ रीजन। तो ज्योग्राफी और हिस्ट्री किसी भी जगह की क्या करेगी, उसके कल्चरल लाइफ को अफेक्ट करेगी, उसके साथ वो बंधी हुई है। क्योंकि हिस्ट्री क्या होती है, हिस्ट्री में ट्रेडर्स होते हैं, किंग्स होते हैं, पिलग्रिम्स लोग आते हैं, ये सारे आके आपके कल्चर में कुछ नई चीजें ऐड करते हैं, कुछ आपकी चीजें आपसे लेके जाते हैं और एक नया कल्चर देते हैं। वही हमारा जो ज्योग्राफिकल नेचर है, जो ज्योग्राफिकल फैक्ट है, उसके अंदर क्या होता है, अगर आप ठंडी जगहों पे रह रहे हैं तो आपको ऐसी चीजें चाहिए जो आपको गर्म रख सके। सो यू विल वेयर क्लोथ इन दैट मैनर, आपको खाना उसी मैनर का चाहिए जो आपको थोड़ा सा हीट प्रोवाइड करे। लेकिन आप एक ऐसी जगह पे रह रहे हो जो पहले से ही गर्म है, ठीक है, ज्यादा गर्म तो नहीं है बट मॉडरेट क्लाइमेट है, तो आप वैसे ही कपड़े पहनोगे, सिमिलर वे ऑफ फूड होगा आपका। सो इस तरीके से दोनों चीजें ही आपके कल्चर को अफेक्ट करती है और उसको बांधे रखती है। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर कल्चरल, सॉरी केरला एंड लद्दाख, और दोनों के कल्चरल जो इन्फ्लुएंसेस थे उनको हमने पढ़ा, उनके सिमिलैरिटीज को जाना और डिफरेंसेस को जाना। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक, जिसके अंदर हम इंडिया की यूनिटी को देखेंगे और ये जानेंगे कि ये जो हमारा डाइवर्स इंडिया है, मतलब नॉर्दर्न पॉइंट में जो डाइवर्सिटी हमने देखी, जो सदर्न पॉइंट में हमने डाइवर्सिटी देखी, और दोनों के अंदर बहुत सारे डिफरेंसेस देखे और सिमिलैरिटीज भी देखे, वो कैसे इंडिया को यूनाइट करके रखता है, एक जो जोड़े रखता है, एक जुट रखता है हम सभी को, वो समझेंगे। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग विद अस, बाय।